तो कैसे हो आप लोग। मैं आत्मन स्टडी विद धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आज है 14 जनवरी 2023 यानी कि मकर संक्रांति और इसीलिए हैप्पी मकर संक्रांति। वेल, आपके यहाँ पे मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, इस फेस्टिवल को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आज के दिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया या फिर वही घिसी पिटी जिंदगी निकली, नीचे कमेंट बॉक्स में वो भी बता देना। और अगर आप न्यू व्यूअर हो तो मैं आपके सामने ये डेटा प्रेजेंट करता हूँ कि मेरा मोस्ट ऑफ जो वॉच टाइम है वो नॉट सब्सक्राइब वाले यूज़र से ही आता है, यानी कि वो लोग जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। और अगर आप भी उनमें से आते हो तो उस कैटेगरी में से बाहर निकलो और जो स्पेशल कैटेगरी है सब्सक्राइबर्स वाली उसके अंदर आ जाओ और हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओ। ओके, चैनल के ऊपर जब भी कंटेंट आता है तब बहुत अच्छा कंटेंट आता है। ओके, आप देख सकते हो चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि यहाँ पे आपकी आवाज़ सुनी जाती है। ऐसा कोई भी चैनल के ऊपर नहीं है जिसकी आवाज़ मैंने नहीं सुनी हो। तो चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। बेसिकली जेई मेन्स की अगर मैं बात से करूँ, मतलब जेई मेन की अगर मैं बात करूँ तो ये बस एक टॉपिक ही रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं इसकी इम्पोर्टेंस को लेके चलूँ तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है जेई मेन्स और एडवांस के अंदर। वो बात अलग है कि वहाँ का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के बराबर होता है और इसकी जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी ही इम्पोर्टेंस मूल कॉन्सेप्ट की ही है। मतलब कि जो मूल कॉन्सेप्ट जो इतना बड़ा चढ़ा होता है, और अगर किसी से भी बात करें तो वो सब लोग सबसे पहले मूल कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं। तो बेशक उसकी इम्पोर्टेंस आता है, बट वो भी उसका भी भाई एक ही क्वेश्चन आता है मेंस और एडवांस के अंदर 4 मार्क्स का। इसका भी उतना ही एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। बट अगर मैं 11th और 12th को इंक्लूड करके बताऊँ तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ MCQ क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट आंसर्स इसी से लिए जाते हैं। कई बार लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी ले लिए जाते हैं। और मेंस की बात करूँ तो हाँ, 4 मार्क्स कम नहीं होते मेंस और एडवांस के लिए। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर मैं इसके पार्ट्स करूँ या सेपरेशन करूँ तो 2 पार्ट्स होंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट के अंदर बेसिकली थ्योरीज होंगी, जैसे कुछ की डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह वगैरह। और वहीं दूसरे पार्ट के अंदर इसके क्वेश्चंस होंगे और सॉल्यूशंस होंगे। अगर ये तरीका ठीक लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एग्री करके वापस वीडियो के ऊपर आ जाओ। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अभी भी वक्त है। ओके, लिमिटेड ही सीट्स हैं, क्या पता अगर कल ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए तो शायद आपकी आवाज़ सुनी ना जाए, इसलिए अभी सब्सक्राइब कर लो। और जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो या फिर इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम ID दी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इन दोनों से मिलके बना है रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? अगर देखो, ऑक्सीडेशन से ये मतलब तो चल रहा है कि उसके अंदर ऑक्सीजन का ऐड होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा। ये चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। वहीं 10th में हमने ये चीज़ और देखी थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही चीज़ें ऑक्सीडेशन के अंदर आती हैं। ये दोनों जो मेथड्स हैं ये क्लासिकल मेथड्स हैं। इसके बाद जो मेथड्स आते हैं वो चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड होते हैं और वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसके 3rd पॉइंट के अंदर, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, किसी भी एलिमेंट का चार्ज अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन के अंदर आता है। और इंक्रीज इन ऑक्सीडाइजेशन नंबर, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसी से क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी एलिमेंट या एटम में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन के अंदर ही आता है। ओके, बेसिकली ये एक सीधी सी चीज़ है, वो याद रखना। अगर मैं इलेक्शन का एग्जांपल लूँ तो इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि कुछ वोट्स होते हैं जो उस पार्टी के लिए रिजर्व्ड रहते हैं और वो साइड में रहते हैं। साइड में मतलब कि क्या, कि जब उनकी मर्ज़ी होगी तब वो उन वोट्स को ले सकता है, पर वो बेसिकली वोट्स उन्हीं के होते हैं। तो जब भी इलेक्शन मीटर यानी कि न्यूज़ चैनल के ऊपर जो इलेक्शंस के वोट्स लिखे होते हैं वहाँ पे उन पार्टीज़ के साइड में प्लस का साइन होता है। प्लस का साइन ये बताता है कि वो और वोट्स जो हैं वो ले सकता है। तो वैसे केमिस्ट्री के अंदर भी देख लो। देखो, केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको अपनी जो डेली लाइफ है उसे रिलेट कर लो। जितना इसको रिलेट करोगे उतना अच्छे से ये याद होगी। तो वैसा ही हम लोग इसके अंदर देखते हैं कि अगर एक एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहा है तो उसका जो चार्ज है वो प्लस बनेगा।
अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो वो माइनस चार्ज बनेगा। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान, अगर कोई नॉर्मल आदमी है और अगर वो किसी के पास से पैसे उधार ले लेता है तो फिर उसका अकाउंट जो होता है बैंक अकाउंट वो नेगेटिव शो करता है, ठीक है, माइनस में जाता है, और अगर वो किसी को दे देता है तो वो पॉजिटिव में रहता है। ऐसा सब कुछ समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहा है तो उसका चार्ज पॉजिटिव होगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है यानी कि उनको गेन कर रहा है तो उसका चार्ज नेगेटिव होगा। ओके, वहीं रिडक्शन के ऊपर भी हमने दो चीज़ें देखी थी क्लासिक मेथड्स के अंदर, कि एक रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों ही चीज़ें रिडक्शन के अंदर आती हैं। थ्री और फोर्थ और फिफ्थ न्यू टॉपिक्स हैं। थ्री के अंदर डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो वो बेसिकली रिडक्शन होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडाइजेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वो रिडक्शन होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर किसी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो रिडक्शन होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, ये इस चैप्टर की सबसे बड़ी गलतफहमी है, ठीक है, गलतफहमी या फिर कह सकते हैं गलत कॉन्सेप्ट है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बात वाली सही है, जो क्लासिकल मेथड्स रहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वो बात सही है, पर ये जो न्यू मेथड्स हैं कि यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, रिमूवल ऑफ न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो बात को कुछ साइंटिस्ट एकदम रॉन्ग मानते हैं। और हाँ, वो बात सही भी है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो पॉसिबल होते ही नहीं। ओके, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग देखो, जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर आगे जाएंगे और क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे आपको एक चीज़ समझ आने लग जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज़ एन इमेजिनरी और अपेरेंट चार्ज डेवलप्ड ओवर एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंट्री फ्री स्टेट टू कम्बाइंड स्टेट इन मॉलिक्यूल्स। ये एक इमेजिनरी चार्ज है। ओके, प्रैक्टिकल ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर इसका कोई एक्जिस्टेंस नहीं है। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्री सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इट इज़ रिलेटिव चार्ज इन पर्टिकुलर बॉन्डेड स्टेट, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, कोई गेन करता है कोई लूज करता है, उससे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है और उसी से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होते हैं। ये मेथड एज्यूम डेट देयर इज़ अ कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। हमेशा एक वो इंसान जिसके पास कम पैसे हैं वो ज़्यादा पैसे वाले के अंदर काम करेगा, वहीं इसके अंदर ऐसा है कि द कम्प्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ लेस नेगेटिव आइटम टू अ मोर नेगेटिव आइटम, यानी कि जिसके पास कम पैसे हैं वो ज़्यादा पैसे वाले को रेवेन्यू देगा। थोड़ा एसएस की तरफ चला गया, लेट इट बी, कम वाला ज़्यादा की तरफ देगा, ठीक है। रूल्स गवर्निंग ऑक्सीडेशन नंबर, सबसे पहले फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है। ओके, हमेशा और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके बाद ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन बहुत रेयर केसेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज शो करता है और वो रेयर केसेस हमेशा फ्लोरीन के साथ ही होते हैं। इट ऑलवेज हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू -1 इन ऑल इट्स कंपाउंड। फ्लोरीन एक अकेला एटम है जो -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है उसके सारे कंपाउंड्स के अंदर। उसके बाद ऑक्सीजन आता है जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बट दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक्सपेक्ट फ्लोरीन। इन जनरल एंड एज वेल एज इन ऑक्साइड्स, ऑक्सीजन एटम हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 2, यानी कि कॉमनली जनरली इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। वहीं अगर मैं पेरी ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ओजोन ऑक्साइड और इन OF2 के अंदर ये चेंज हो जाता है। पर ऑक्साइड के अंदर ये -1, सुपर ऑक्साइड के अंदर -1/2, ओजोनाइड के अंदर -1/3 और फ्लोरीन ऑक्साइड के अंदर ये +2 और O2F2 के अंदर ये +1 शो करता है। इसके बाद आता है हाइड्रोजन एटम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 रहता है, बट मेटेलिक हाइड्राइड्स के अंदर ये -1 शो करता है। मेटेलिक हाइड्राइड्स यानी कि NaH, KH, ये सब कुछ। और हेलोजन एटम, ऑल हेलोजन एटम जैसे कि CL, BR, I,
हैव ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू -1। वहीं बट इफ हेलोजन एटम इज अटैच विद अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हेलोजन एटम देन इट विल शो पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेशन नंबर। अगर वो यानी कि जो हेलोजन एटम है वो उससे कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच रहता है तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडाइजेशन नंबर शो करता है। मेटल्स के अंदर अगर वो एल्कली अर्थ मेटल है तो वो +2 शो करेगा हमेशा, एल्कली मेटल है तो वो +1 शो करेगा। एल्यूमिनियम हमेशा +3 में रहता है उसकी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। मेटल में हैव नेगेटिव और 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि देखो कुछ मेटल्स हो सकते हैं एक्सपेक्शंस हो सकते हैं जो कि नेगेटिव या 0 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट करते हैं। अब अगर कोई एलिमेंट उसकी फ्री एलिमेंट्री स्टेट के अंदर है या फिर उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज 0। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू 0 होता है। ये टर्म बहुत याद रखना कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। अगर कोई आयन कंपाउंड है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है सारे एलिमेंट्स का वो इक्वल्स टू होगा उसको कितना चार्ज कैरी करता है। देखो मैं पहले बता देता हूँ कि जो मैं आज वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है और वो आपको मतलब अगर मैं बताऊँ तो ईजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन आप ईजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में देखेंगे और उसी से न्यूमेरिकल्स बनेंगे। अगर ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज n, देन इज ऑक्सीडेशन नंबर मे वेरी फ्रॉम n टू 10, n टू 18, बट इट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज नेवर मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, बट इट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो इनका ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है Na2S2। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस एटम इज एक्स। ये इसका एक मेथड है जो कई बार सही, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम सही होता है पर कभी कभी ये गलत हो जाता है। ठीक है, हम लोग आगे जाके देखेंगे इसका दूसरा भी मेथड है, उसके ऊपर मैं शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ जाऊँगा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सोडियम का जो होता है वो +1 होता है और यहाँ पे 2 है सोडियम के एलिमेंट्स है तो हम लोग +1 × 2 और फिर +1 × 2 और फिर हमारे पास एस आ जाता है। ठीक है, सल्फर, एंड सल्फर क्या हो जाता है, सल्फर भी 2 है x × 2 और प्लस शायद यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ओके हाँ ऑक्सीजन होना चाहिए होगा बट ये प्रिंट नहीं हुआ होगा। ओके यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए था बट लेट इट बी। अब ये जो सल्फर एटम है इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। ओके ये वाला जो मटेरियल है ये है हमारे सोडियम के लिए, ये वाला है सल्फर के लिए और ये वाला है ऑक्सीजन के लिए। अब एस की ये एक न्यूट्रल एटम है तो इसका जो सम है वो इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और उसी वजह से हमको एक्स की वैल्यू मिल जाती है जो कि है +2। वहीं दूसरा आ जाता है Na2SO4O6, वहाँ पे भी ऑब्वियसली वो ही है। ओके सो तो देखो यहाँ पर ये जो है ये सोडियम के लिए, ये हमारे सल्फर के लिए और ये ऑक्सीजन के लिए और हमारा सल्फर का जो चार्ज है वो +2.5। और यहीं पर ये बात गड़बड़ हो जाती है कि कभी भी किसी भी एलिमेंट का चार्ज डेसिमल्स में नहीं आना चाहिए और उसी लिए हम लोग बॉन्ड मेथड का यूज़ करते हैं जिसको मैं अगले वीडियो के अंदर बताऊँगा। ओके सो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स के ऊपर आएंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगर कुछ बच जाता है तो उसको कवर कर लेंगे, और बेसिकली उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर की शॉर्ट ट्रिक्स और जितना भी आपको मटेरियल ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ज़रूरी है वो दिया जाएगा। और उस वीडियो के बाद आप हर एक एलिमेंट का मतलब मेंटल कैलकुलेशन से ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हाँ बस इस वीडियो के इतना अंदर इतना ही था। हाँ, और अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाती है तो वो है रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के लिए। देखो, जो भी चीज़ रिडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है वो ऑक्सीडेंट होगा, और जो भी चीज़ ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू रख रहा है वो रिडक्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से रिडक्शन हो रहा है और उसी की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, वाइस वर्सा एंड रिस्पेक्टिव। ओके, एंड उसके बाद भी कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे कि बैलेंसिंग ऑफ एन इक्वेशन। खैर, वो ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर मैं इन्वॉल्व कर लूँगा। तो चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।